चंदन बनते ये चरण जहाँ टिकते दर्शन कर प्रभुवर का ये नैन नहीं थकते माटी चंदन बनते ये चरण जहाँ टिकते दर्शन कर प्रभुवर का ये नैन नहीं थकते पावन प्रभु चरणों की पावन प्रभु चरणों की मैं बलिहारी जाऊं हो निश दिन मूरत ध्याऊं धरती के पुजारे की गण के रखवारे की निश दिन मूरत ध्याऊं चरणों का फरस करके चरणों का फरस करके अक्षय ऊर्जा पाऊं मैं आनंद सदा पाऊं धरती के पुजारे की गण के रखवारे की निश दिन मुहूर्त ध्याऊं मैं तो अध्यात्म की साधना यह है हम शरीर मुक्त अवस्था को कभी प्राप्त हो सके और शरीर मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह साधुपन लिया जाता है साधना की जाती है श्रावक बनते हैं उसका मूल लक्ष्य है वो है एक दृष्टि से शरीर मुक्त विदेह अवस्था को प्राप्त करना विदेह अवस्था तभी प्राप्त होगी संपूर्णतया जब सिद्धत्व की प्राप्ति होगी यानी मोक्ष प्राप्त होगा तो सीधे शब्दों में यूं कह दें कि अध्यात्म की साधना का मूल लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना।